मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड पेज नंबर 34 एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू द हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल देयर साइंटिस्ट वेयर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। Since determining the mass of the individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and the compound form. Dalton, देखिए Dalton ने हमें atomic theory दी, उन्होंने Dalton की atomic theory पूरी जगह सब तरह से उसको appreciation मिला, ठीक है, उसको उन्होंने मान लिया गया। तो जब Dalton की theory, atomic theory propose की गई तो उनके according एटॉमिक थ्योरी प्रपोज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। जब एटम पता चल गया कि मैटर हमारे किससे बने होते हैं, एटम से, तो एटॉमिक मास प्रपोज हो गया, मतलब एटॉमिक में एटम में मास होता है। अब उनके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता, मतलब जिसका एटॉमिक मास अगर 14 है तो उसका एटॉमिक मास 14 ही रहेगा, किसी और का एटॉमिक मास 14 नहीं हो सकता, वो उसका कैरेक्टर कहलाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, मतलब कोई किसी से के जैसा एटॉमिक मास नहीं होगा। तो डाल्टन ने बताया कि जो मैटर होते हैं एटम से बने होते हैं उनका एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास उनका कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, मतलब उनका एटॉमिक मास डेफिनाइट होता है, किसी का भी कोई भी एटॉमिक मास एक जैसा नहीं हो सकता। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द, और इन्होंने इनकी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जैसे हमने आपको बताया, हर बार मैं वाटर का एग्जाम्पल लेती हूँ कि वाटर सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है, मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, अगर वाटर बनाना है तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन होगा, उसमें हम उसके प्रोपोर्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, चाहे हम कितना ही वाटर बनाएं लेकिन उसका प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा हर बार, तो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक मास को मेजर किया, लेकिन हर एटम का, एक एक एटम का एटॉमिक मास निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो हम क्या करें, कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास बना ले, मतलब जैसे सब्जी वाला आता है, फ्रूट सेलर आता है, वेजिटेबल सेलर आता है, तो अपने पास वेट रखता है 1 किलो का 2 किलो का 3 किलो का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो हमको वेजिटेबल और फ्रूट्स तौल के वेट करके दे देता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने सोचा कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास बनाएं, मतलब कुछ ऐसा बना दें कि इसके अकॉर्डिंग ही हम उसके मास को बने, मतलब सबको नहीं तो हम लोग को बताना पड़े कि इसका मास ये है। तो जैसे अब आता है तो हम ये थोड़ी फ्रूट सेलर ये तो नहीं बताता कि एक एप्पल का मास इतना है, एक बनाना का रेट इतना है, इतने किलो है, एक एप्पल इतने किलो है, एक बनाना इतने ग्राम है, या ये हमारा वाटर मेलन इतने ग्राम का है या किलोग्राम का है। वो क्या करता है, सीधे उसको अपने वेट के अकॉर्डिंग उसको तौल देता है, वेट कर देता है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी सोचा कि एक रिलेटिव एटॉमिक मास बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग सबका मास निकाल लिया जाए। इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म, मतलब इन्होंने क्या कहा, रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमाइन किया, किसके किससे उन्होंने डिटरमाइन किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थ्योरी से। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अगर CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहां देखिए O एक ही है तो इसीलिए क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। इन अदर वर्ड द कार्बन कंबाइंड विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रिविएटेड एज AMU, इसको म्यू बोलते हैं, यहाँ पर ए साइलेंट हो जाता है और म्यू आ जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन, इट इज नाउ रिटन एज म्यू यूनाइटेड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब जैसे हमने क्या लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है, तो इसमें 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे और 3 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे,
3 ग्राम ऑफ कार्बन लिए और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का, जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन करें तो हम पर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। और ये हर बार होगा, कभी भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो हमको इसका रेशियो सेम ही रखना पड़ेगा। इस तरह हमने देखा कि कार्बन कंबाइंड विद कार्बन हमारी 4/3 टाइम्स ऑफ द ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, 4/3 का रेशियो आ गया। अगर कोई भी आपको एक बनाना है तो 4 ग्राम कार्बन लेंगे और 3 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। अब एटॉमिक मास को, यूनिट को हम पहले AMU से डिफाइन करते थे, लेकिन बाद में IUPAC ने इसको म्यू वर्ड दे दिया, यूनाइटेड मास। म्यू मतलब हो गया यूनाइटेड मास, ये हमारे 1 कार्बन एटम के मास के बराबर है। मतलब अगर हम कहते हैं कि एक म्यू मतलब एक कार्बन एटम का मास, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम एक किलो को एक दर्जन बोलते हैं, तो एक दर्जन मतलब हमारे दिमाग में वैसे ही आ जाता है कि 12, ठीक है। इसी तरह एक म्यू बराबर हो जाएगा, 1 म्यू बराबर हो जाएगा 1 कार्बन एटम का मास, जितना मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये हमारी एक यू मिलकी हमको रिलेटिव मास मिल गया, इसके अकॉर्डिंग ही सारे हम एटॉमिक मास निकालेंगे। देन वी गुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 म्यू एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33 म्यू। अब हम यहाँ पर 1 कार्बन एटम लिए मतलब 1 म्यू, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई 1.33 म्यू, क्योंकि अगर 4 है और 4/3 का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारी 1.33 आ जाएगा। हाउएवर इट्स मोर कन्वीनियंट टू हैव नंबर एज होल नंबर और एज अ नियर इन अ होल नंबर। अब हमारे लिए क्या ज्यादा होगा अगर हम इसको होल नंबर में ले लें या होल नंबर से कुछ नियरेस्ट ले लें। व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट इनिशियली took 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। दिस वॉज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू द टू रीजन। फर्स्ट इज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड, दिस एटॉमिक मास यूनिट के मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। अब हमने बोला कि हम एटॉमिक नंबर को या तो होल नंबर में ले लें या उससे कुछ नियरेस्ट ले लें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद बताया तो 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम, एक एटम का 1/16 लिया, ठीक है, ऑकरिंग ऑक्सीजन, जिससे हमको ऑक्सीजन की 1 यूनिट मिल गई। तो किसी एटम का 1/16, जैसे अगर ऑक्सीजन के निकाल लें तो उसको 1/16 कर दिया। और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन सब बहुत सारे कंपाउंड और एलिमेंट से रिएक्ट आसानी से कर लेती है। दिस एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास था यूनिट थी हमारी, एटॉमिक मास यूनिट थी वो बहुत सारे एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास था उससे होल नंबर में ही एटॉमिक मास आएगा। तो हमने क्या ले लिया, 1/16 ले लिया। बट इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप, पहले क्या लिया ऑक्सीजन को लिया, मतलब 1/16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 था तो 1/16 लिया, लेकिन 1/16 को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया बल्कि कार्बन के एटॉमिक मास को ज्यादा एक्सेप्ट किया। तो फिर क्या लेने लगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है इसीलिए लेने लगे 1/12। तो 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के आइसोटोप को। Was chosen as the standard reference for the measuring atomic mass. One atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12 the mass of the one atom of carbon 12. Relatively, atomic mass of the all element has been found with respect to an atom of carbon 12. इसके बाद पूरी दुनिया में carbon 12 को एक atomic mass unit के form में मान लिया गया, मतलब 1 mu मतलब carbon 12 carbon का 1/12। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम द टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। अब देखिए अगर फ्रूट सेलर के पास वेट नहीं है तो वो क्या बता रहा है, उसके पास एक वाटरमेलन है, उसने उसके 12 पार्ट्स कर दिए, एक वाटरमेलन के उसने 12 यूनिट्स कर दिए। वो कहता है कि एक यूनिट, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ द ईच फ्रूट, और उसके उन्हीं से वो सारा
सारे फ्रूट्स का मास निकाल रहा था, मतलब उसका उसने क्या किया, 12 पार्ट कर दिया, मतलब एक पार्ट कितना है 1/12 वाटरमेलन का, तो 1/12 को लेकर ही उसने सारे फ्रूट, चाहे वो एप्पल बेचा चाहे ऑरेंज बेचा, उसने उसी वाटरमेलन के 1/12 पार्ट से उसको वेट किया। नाउ ही सेल हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, इस तरह उसने रिलेटिव मास यूनिट से अपनी फ्रूट सेल कर दिए। जैसे अगर हमारा एप्पल है उसमें दो पीसेस के बराबर है, दो वाटरमेलन के पीसेस के बराबर है, मतलब ये कितना हो गया, 2 μ, मतलब कार्बन 12 के दो बराबर है, तो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के दो कार्बन एटॉमिक मास के 1/12 के बराबर है, तो ये 2 μ हो गया। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, एक्यूरेट नहीं था, एवरेज निकाल के हमने कहा था। देखिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हम देख रहे हैं, एलिमेंट्स में हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। देखिए मोस्टली होल नंबर ही मिल रहा है, बहुत कम ही हमको बिना होल नंबर में मिल रहा है।